बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो सही ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान में जा रहे हैं कि नहीं। ऐसे क्या है जो आप जान सके कि आप ध्यान में हैं? मेडिटेशन साधना टेक्निक, आप सभी का स्वागत है। ये प्रश्न है जो लगभग लगभग 10 में से 9 साधकों के मन में कभी ना कभी एक बार कौंधता अवश्य है कि वो ध्यान में सही दिशा में जा रहे हैं, क्या उनको ध्यान के अनुभव हो रहे हैं, क्या जिस डायरेक्शन में वो ध्यान कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ध्यान करना ठीक है, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे। इस तरीके के अनेकों प्रश्न हैं जो साधकों के मन में घूमते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी से ध्यान सीख रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम ही, आप कहीं पे भी सीख रहे हैं, कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक, कोई भी आपका सीनियर जो ध्यान जानता है, अगर वो आपको ध्यान करते हुए देखता है तो वो ये 100% बता सकता है कि आपकी ध्यान की स्थिति क्या है। ये बिल्कुल सबसे आजमाया हुआ तरीका है, लेकिन वो स्वयं एक अच्छा ध्यानी होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत से साधक ऐसे हैं कि उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो उनको देख सके या बता सके कि वो उनका ध्यान कैसा है। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस लक्षणों के आधार पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप सही ध्यान कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहला, आपको ध्यान करने में आनंद आता है कि नहीं। दोस्तों, आप लाख बैठक लगा लीजिए, लाख बार पालथी मार के बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन अगर आपको ध्यान करने का मन ही नहीं होता, ध्यान करने में आनंद ही नहीं आता, तो ध्यान करना व्यर्थ है। ये हो सकता है कि रोज आपको वो स्थिति नहीं आती हो, लेकिन कभी ना कभी वो स्थिति आती अवश्य है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और कंपल्सरी मेथड, या ये कह सकते हैं रिजल्ट है जो एक ध्यानी को आना ही चाहिए। आपको ध्यान करने में थोड़ा आनंद प्रतीत होना चाहिए, फील होना चाहिए। तो अगर आपको आनंद फील होता है तो आप ये मान लीजिए कि आप ध्यान के डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप हमारी बताई हुई विधि से ध्यान करते हैं, अगर आपका शरीर एक पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, आपका शरीर एक बढ़िया स्थिति को प्राप्त करता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो दोस्तों बिना चिंता के ध्यान करिए, केवल शरीर की स्थिरता पे ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो अगर आपका शरीर एक अच्छे तरीके से स्थिर है तो आप मान लीजिए कि आप ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे अंतिम, आप सभी के लिए बेसिक आवश्यक है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको ध्यान करते करते बीच बीच में कभी कभी भी विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है, यहाँ विचार शून्य अवस्था का अर्थ है कि वो नैनो सेकंड के लिए भी मिल सकती है, 1 सेकंड के लिए भी मिल सकती है, कुछ देर के लिए भी मिल सकती है, अगर आप विचार शून्य हो जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति ध्यान में आपके पास आती है, उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संसारिक विचार आपके मन में नहीं रह जाता। अगर आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आप ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं। आपके पास कोई गुरु हो, शिक्षक हो, ना हो, अगर इन 3 स्थितियों में से 2 स्थितियां, 3 स्थितियां, कुछ भी आप अपनाए हैं, तो कुछ भी आप अगर फील करते हैं, तो दोस्तों ध्यान को आगे बढ़ाइए, आप ध्यान की बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये 3 चीज़ें ही बता देंगी कि आपका ध्यान सही जा रहा है या गलत। अगर इन 3 चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारी सलाह है कि किसी भी योग्य के पास जाके मार्गदर्शन में कुछ दिन का ध्यान अवश्य सीखिए, क्योंकि इन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ घटना बहुत आवश्यक है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, ध्यान कभी कभी करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, कुछ महीनों से ध्यान कर रहे हैं, तो इन 3 स्थितियों में से 1 स्थिति जरूर आएगी। अगर आप इस रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड और कुछ वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। मेडिटेशन
ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।